सो फ्रेंड्स देख सकते हैं मोटो जी 5S प्लस है और यहाँ पे इसमें जो है FRP लॉक लगा है। इसके ऊपर मैंने पैटर्न अनलॉक का वीडियो दिया था, लेकिन अब इसका जो है आज FRP अनलॉक करेंगे। FRP यानी गूगल अकाउंट, इसमें यदि आप भूल जाते हैं अपना जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड डले रहते हैं तो उसे किस तरह से बाईपास करना है। तो यहाँ पे आप अपना पैटर्न भी भूल गए हैं, नहीं पता है, तो इसका गूगल अकाउंट बाईपास होगा। गूगल अकाउंट बाईपास करने के लिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो चल रहा था वही आपको एंटर करना है, लेकिन आप भूल चुके हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है अपना न्यू ईमेल आईडी भी टाइप करेंगे तो ये नहीं लेगा, इसमें वही ईमेल आईडी आपको डालना है जिसमें ऑलरेडी चल रहा था। तो यहाँ पे हम बैक करेंगे, बैक करना है सीधे सीधे, और यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं। हमने यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी टाइप करके देख लिया है, कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रोसेस बैक करते हुए आगे बढ़ जाना है, यहाँ पे होने वाला नहीं है। ये 123 आप पासवर्ड हमने डाल दिए, कुछ हो नहीं रहा है। इसे आप बाईपास करने के लिए बैक करेंगे, बैक करिए, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे, नहीं हो रहा है। आपको वही पिन पासवर्ड सब मांगा जा रहा है, लेकिन आप कुछ मेथड जो मैं आपको यहाँ पे शो करा रहा हूँ उसे आप फॉलो करते जाइए, यहाँ पे होने वाला नहीं। तो ये कुछ जो है यूनिक मेथड यूज़ करना है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ईमेल आईडी भी रिकवरी करें, यहाँ पे देख सकते हैं इमरजेंसी में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आप FRP बाईपास कर सकते, लेकिन ये सब नहीं वर्क करता। तो आप लोग को बैक कर लेना है, बैक कर लेने मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ ट्राई किया, नहीं हुआ। मैं अब जो मेथड यूज़ करूँगा आप लोग उस मेथड को फॉलो करिए, इजली तरीके से आप अपना FRP निकाल सकते हैं। तो ये सब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक चले जाना है, सीधे होम स्क्रीन पे आ जाना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आ गए, यहाँ पे लैंग्वेज आपको बस हिंदी करना है। तो कंप्लीट वीडियो में आप बने रहिए, आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड अनलॉकिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती है। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया, हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया, और यहाँ पे नहीं कुछ हुआ। यहाँ पे वाईफाई वाले सेक्शन में आके आपको नेटवर्क में ऑप्शन वाले में आपको कीबोर्ड यूज़ करना है। कीबोर्ड में आप लोग को जो है यहाँ पर जो है ग्लोब को यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ पर सेटिंग आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपको ग्लोब को टच करना है, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपको नहीं खुल रहा है तो आपको यहाँ पे वेट करना है। सहायता में जाएंगे, सहायता में जाने के बाद यूट्यूब आप खोलेंगे, यूट्यूब पे क्लिक करेंगे। यूट्यूब पे आपको जाने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है, यहाँ पे आपको YouTube लिखना है, YouTube आ जाएगा। YouTube आने के बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश कर लेना है, इंग्लिश सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे YouTube आपको सर्च करना है। तो जो जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ उसको सेम स्टेप फॉलो करते जाना, और आपका फ़ोन इजीली तरीके से अनलॉक हो जाएगा। तो कैसा लगता है हमारा वीडियो, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब। और मोटो रियलमी ओप्पो वीवो जो भी फ़ोन होते हैं उनमें FRP गूगल अकाउंट मोटो GS+ है, सैमसंग के जितने सारे फ़ोन हैं तो फोनों को आप लोग FRP बाईपास कर सकते हो घर बैठे। और काफ़ी सारे जो है PC से मिलते, PC का भी मैं मेथड लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग जो लोग काफ़ी दिनों से वीडियो देख रहे हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे, बहुत सारे ऐसे यूजर हैं अभी भी जो है वीडियो देखते हो चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखे, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब करिए। काफ़ी ज़्यादा आप लोग को मोबाइल से रिलेटेड हेल्प मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल अनलॉकिंग कंटेंट मैं काफ़ी दिनों से अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गूगल जीमेल का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, अभी जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली मोबाइल खुल जाएगा।
कर लेना, आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है टेक्निकल दिक्कत 2020 पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। और मोटो जी एस प्लस था, हो गया अनलॉक, सेटअप कंप्लीट कर लीजिए, फोन अनलॉक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।